बात करते हैं एक और मामले की। ये कहानी उस हैवान भाई की है जिसने अपनी चचेरी बहन का न सिर्फ अपहरण किया बल्कि उसके साथ लगातार कई दिनों तक बलात्कार भी करता रहा। फिलहाल पुलिस ने इस कलयुगी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जिस भाई ने जन्मों तक अपनी बहन की रक्षा करने की कस्में खाई थी वही हैवान बन बैठा। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले साबजी मकवाना ने रिश्तों को ऐसा दागदार किया कि इंसानियत ही शर्मसार हो गई। इस पर हवस की ऐसी हैवानियत सवार हुई कि वो खून के रिश्तों को ही भुला बैठा। इसने न सिर्फ अपनी चचेरी बहन की असमत लूटी बल्कि उसे 16 दिनों तक बंधक बनाकर लगातार उसका बलात्कार करता रहा। कजन था मुझे बेंगलोर लेके गए थे, वहाँ एक पटेल था और वहाँ मीरा रोड भी लेके गए थे, वहाँ भी एक कांजी करके लड़का था उसने साथ दिया। इसके मंसूबों में कोई अड़चन न आए इसके लिए ये लड़की को अगवा कर बेंगलोर ले गया। इधर इसकी चचेरी बहन रिश्तों की दुहाई देकर इसको बार बार इस गुनाह को रोकने की गुहार लगाती रही। पुलिस में मामला दर्ज हुआ तब कहीं जाकर पुलिस इस खूंखार दरिंदे का पता लगा पाई। पुलिस ने साबजी के खिलाफ बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। हमें पता चला कि ये जो लड़की है वो 18 साल से भी उम्र में कम है और इसने उस लड़की को जहाँ पे रखा था उस वक्त उसे मतलब बाहर की किसी भी इससे कॉन्टेक्ट न हो हुआ जाए, ज्यादा से ज्यादा घर वालों के कॉन्टेक्ट में संपर्क में ना, इस तरह से ये किया था तो उसके खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया। जाहिर है अपनों के ही धोखे से आहत लड़की और लड़की के पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर का बच्चा ऐसा घिनौना काम करेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल इन दोनों ने साबजी के गुनाहों की सजा अदालत के जिम्मे छोड़ दी है लेकिन इतनी गुहार जरूर लगाई गई है कि इसे ऐसी सजा मिले जिससे दोबारा कोई ऐसी शर्मनाक हरकत ना कर सके। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक।